जय श्री कृष्ण। दोस्तों मथुरा और वृंदावन का नाम सुनते ही लोगों के मन में भगवान कृष्ण और राधा रानी का ख्याल आता है, लेकिन आज हम आपको वृंदावन के ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण का नहीं महादेव जी का है। और इस मंदिर में महादेव कृष्ण जी की गोपी के रूप में विराजे और उनका महिलाओं की तरह ही 16 श्रृंगार किया जाता है। बताया जाता है कि विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां महादेव महिला के रूप में विराजे हैं। दूर दूर से भक्त यहां महादेव के गोपी रूप के दर्शन करने आते हैं और इन्हें गोपेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है और मान्यता है कि यहां मौजूद शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने की थी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर में। दूर नहीं है वृंदावन, राधे राधे गाले मन, दूर नहीं है वृंदावन। और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गोपेश्वर महादेव जी की गली में और देखिए ये रहा सामने गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर। राधे राधे गाले मन, दूर नहीं है। और गोपेश्वर मंदिर के बारे में सबसे खास बात है कि पूरे विश्व में पहला शिवलिंग है जिसमें शिव जी हमारे महिला के। दोस्तों मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बाईं तरफ एक शिवलिंग है, देखिए कितने सुंदर हैं, लेकिन ये हमारे गोपेश्वर महादेव जी नहीं है। उनके पास पहुंचने के लिए हम जा रहे हैं अंदर। मंदिर के बाहर नंदी बाबा से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाने पर कॉर्नर की तरफ एक और छोटा सा मंदिर सा बना हुआ, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इतना पुराना मंदिर लग रहा है, इतना प्राचीन मूर्तियां हैं यहाँ की जिसकी कोई हद ही नहीं, बहुत ही प्राचीन है, देखने से इनकी प्राचीनता पता चल रही है। और ये गणेश जी, शिव जी, पार्वती माँ, और इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे हैं शिवलिंग। और देखिए नंदी बाबा की आंखें देखिए दूर से ही चमक रही हैं, कितनी बढ़िया आंखें लग रही हैं, दूर से ही दिखाई दे रही हैं। नंदी बाबा का कलर भी बिल्कुल मुझे अलग सा दिखाई दिया यहाँ पे, डार्क ब्राउन सा कलर। और यहाँ पे देखिए शिवलिंग, बीच में शिवलिंग की हालत क्या, चारों तरफ की एरिया की पूरे गड्ढे हो रखे हैं टायर्स में, बहुत ही गंदा हो रखा है एरिया, लेकिन मुझे यहाँ पे हमारे नंदी बाबा बहुत ही पसंद आए। और नंदी बाबा के बिल्कुल पास में है हमारे हनुमान जी, जय हनुमान, बहुत प्यारी छोटी सी प्यारी सी मूर्ति है। और दोस्तों अब जरा मंदिर के एक हम परिक्रमा लगा के फिर हम चलते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि अब हो चुका है शिव जी का गोपी रूप में श्रृंगार। तो अब हम आपको कराएंगे असली गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन, क्योंकि श्रृंगार के बाद तो इनका रूप ही अलग होता है, पहचान में ही नहीं आते कि वही हमारे भोलेनाथ जी हैं जिनके अभी हम जल चढ़ा रहे थे सारे लोग और आरती कर रहे थे, अभी रूप बिल्कुल अलग ही दिखाई देगा। ये देखिए ये रहे हमारे गोपी रूप में शिव जी भोलेनाथ जी, ये देखिए वाह। और दोस्तों चलिए अब हम आपको कराते हैं अन्नपूर्णा माता के दर्शन, जो कि इस मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, चलिए देखते हैं अन्नपूर्णा माता का मंदिर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के बाहर और अब आपको मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए मंदिर के साथ और बताएंगे उससे जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।